वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं। हम अभी वो रिजर्व से आए, टाइगर रिजर्व से। अभी ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, अभी हम जा रहे हैं एलपी की ओर। वहाँ पे हमने हाउस बोट बुक कराई है। वैसे उसका चेक इन टाइम 12 o'clock का था, बट इधर ही लेट हो गया बोट में। तो अभी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 3-4 hours लगे कम से कम। अभी 10 o'clock हो गए तो 2 अराउंड पहुँचना चाहिए। देखते हैं, अभी बने रहिए मेरे साथ। तो हम फाइनली पहुंच गए एलपी। पूरा शेड्यूल टाइम से 2 घंटा 30 मिनट लेट चल रहे। 12 o'clock को स्टार्ट होना था बोट, अभी 2:30 हो गए ऑलमोस्ट। एंड शायद ये हमारी बोट शायद से हाँ जा तो इधर है। देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ऐसा कुछ है बोट। अच्छा ये बोट नहीं, ये वाली बोट है। ये 3 रूम का है। इसका आदमी लोग टैंकर से आ रहे हैं। सब लोग ले चुके हैं, रास्ते में बहुत काम चल रहा है इसलिए सब लोग ले चुके हैं। चलो हमने ये लेट होने वाले। बोट स्टार्ट हो गई हमारी। इधर हमारा वेलकम ड्रिंक आ गया है। इधर हमारा सामान रख दिया है। वहाँ बड़े बड़े स्पीकर्स भी है। तो लाइक क्विक टूर दे देता हूँ मैं आपको। ये इधर बोट है, हमेशा ड्राइवर सीट। ये थोड़ा लिविंग स्पेस है इधर। ये तो डाइनिंग एरिया है हमारा। है टीवी भी है, दो बड़े बड़े स्पीकर है इधर। ये एंड इधर है लगेज रखा है हमारा। ये बेडरूम कुछ ऐसा है, ये लगेज रखा है। वॉशरूम तो नॉर्मल ही है। तो देखते हैं ऊपर जाके, देखते हैं फिलहाल। ऊपर भी अच्छी जगह है बैठने की। वाओ, यहाँ पे बैठ के मस्त व्यू देखेंगे हम। एंड वो बोट्स चल रहे हैं। तो यही है गाइस, अभी फिलहाल हम लंच करते, देखते हैं लंच में क्या है। उससे पहले वेलकम ड्रिंक पियेंगे हम। एंड वाटरमेलन भी रखे हैं। काफी टेस्टी है। गाइस हमारी बोट स्टार्ट हो गई है। इधर मैंने माइक पे लगा लिया है क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी आई गेस। हाँ तो अभी हम सीधा लंच करते हैं। एंड मैं इधर ऊपर बैठा हूँ एकदम टॉप पे बोट के। अभी ये पार्क कर दिए, मतलब लंच टाइम। तो चलते हैं लंच करने। तब तक मैं बैटरी चार्ज कर देता हूँ इसकी। बापरे, देखते हैं लंच में क्या है। मैंने कैमरे से फ़ोन पे शिफ्ट कर लिया है क्योंकि बैटरी लो हो गई थी। अभी हमारा लंच देखिए आप। ये टिपिकल साउथ इंडियन फूड। एंड इधर फिलहाल पार्क कर लिए है। तो लंच करने के बाद मिलते हैं आपको। देखते हैं, इधर ग्रीनरी भी काफ़ी है। एक टॉप पे आ गया हूँ मैं अभी। हाय हाय, धूप है बट ये व्यू
अभी हमने कर लिया है लंच, कुछ ज़्यादा ही खा लिया, माय गॉड पूरा पेट भर गया है। एकदम प्योर ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड। अभी इधर थोड़ा टाइम लेफ्ट निकालते हैं एंड कल भी हम कोवलम जा रहे हैं इधर से, एंड उसका रास्ता तो माय गॉड इधर से कुछ 160 किलोमीटर है लगेगा। इधर आने में ही कितना लगा, 4 hours लगा मैं उधर से टेकड़ी से। फिलहाल तो ये बोर्ड देखे तो एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम शांत। एंड इधर का व्यू देखिए आप, फिलहाल ये बोट चालू हो गई है, कुछ टाइम लेफ्ट निकालते तब तक हम लोग, पता नहीं कैसा आ रहा है। तो थोड़ा टाइम लेफ्ट निकालने के बाद हमारी बोट अचानक रुक जाती है, तो हम भैया से पूछते हैं कि भैया क्यों रोक दी बोट। तो भैया बोलते हैं कि इधर सामने एक इवेंट हो रहा है बहुत ही अच्छा, तो हम वही एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। एंड फिर पता चलता है कि भैया की टीम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो हमने सोचा क्यों ना देखा जाए पूरा इवेंट। तो हम उतरे एंड शायद इसे स्नेक बोटिंग कहते हैं आई गेस, सब एक साथ वो रो करते बोट। एंड वो उधर रेड टीम जा रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी ये यहाँ से स्टार्टिंग होने वाला है एंड आगे जाके होगा, तो हम एंडिंग पे जाते थोड़ा, या फिर जहाँ से थोड़ा सब चला रहे वैसा दिखे रहे वो जगह जाते हैं। जो आपने अभी रिकॉर्डिंग देखा वो स्मॉल बोट से दिखे में तो बड़े ही थे, बट इससे बड़ा क्या होगा, अभी वो 7 minutes का टोटल रेस होगा। ये बड़ा बोट का रेस था, ये भी काफ़ी अच्छा था। अभी हम थोड़ा फोटोज़ खींचते इधर नेचर के पास। अब शायद से ख़त्म हो गया प्रोग्राम, वापस बोट की ओर जाते हैं हम। वो फेरी शायद तक 5 o'clock तक ही घुमाते लेक में, 5 तो बज गए, अभी देखते क्या होता है। थोड़े वही फोटो वीडियोस देखूंगा मैं क्या क्या रिकॉर्ड किया है, एंड डिनर देखते क्या मिलता है डिनर में। तो चले बाय। तो
व्हाइट वाली चीज कह दो। तो ये हमारे बोट वाले भैया की टीम जीती है, वो पार्टिसिपेट कर नहीं पाई क्योंकि उनका हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी वो खुश है उनकी टीम जीत गई। नाइस। हम तो अभी बोट पे आ गए वापस, ये सब बोट निकल रहे अभी इधर से। मैं थोड़ा कैमरा का बैटरी चार्जिंग पे रखा हूँ क्योंकि बहुत ही लो हो गया है, थोड़ा फ़ोन में टाइमलेस निकालते कि कैसा आता है। अभी मैं इधर देखने की बजाय इधर देख रहा हूँ। तो अभी बोट इधर लगा दी हमने, ये इधर मसाज सेंटर, फिश मार्केट, ये सब है। रात को क्या खाना है तो वो अभी लेना पड़ेगा, तो लेने आए। हम भी उतर के देखते क्या क्या है उधर, कुछ खाते पीते भी है। तो हम वापस जा रहे शिप के ऊपर, इधर फिश मार्केट था। फिश तो मैं खाता नहीं, मम्मी पापा खाते हैं, आई एम प्योर वेज। वहाँ पे कैसे जाने ऊपर, तो वापस शिप पे आ गए हम। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लिए और रात को पियेंगे, अभी देखते हैं। भैया कॉफ़ी बना रहे थे हमारे लिए, कॉफ़ी पीते अभी। तो भैया ने अभी कॉफ़ी के साथ भजिए भी ला के दिए, हमें दिखाता हूँ आपको ये कॉफ़ी और ये भजिए, एकदम व्यू के साथ देखते हैं। तो अभी अराउंड 6 के ऊपर ही हो गए वैसे तो। अभी भैया डिनर बना रहे हमारे लिए, रात को है दाल फ्राई, जीरा राइस, भिंडी की सब्जी एंड रोटी। पता नहीं ये लोग देते कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर साउथ इंडियन राइस ही खाते दोपहर में भी शायद। लाइक पूरा कितना, पूरा एक बर्तन भर के इतना राइस दिया था, तो मुश्किल से खाया हमने। एंड इधर मैं अभी टाइम लैप्स ले रहा हूँ, व्यू तो एकदम मस्त है, पीछे मस्त पेड़ है। कल और हमें कोकोनट ट्रीज दिखेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं कल कोवलम बीच। एंड ये बोट में चेकआउट शायद सुबह 9:39 को हम करेंगे, ये वही टाइम है। एंड फिर भैया हमें लेके जाएंगे कोवलम बीच, कुछ 160 किलोमीटर है इधर से। हमने शायद से कुछ गलती की है, ड्राइवर भैया बोल रहे थे क्योंकि LP में हमें शायद बाद में आना चाहिए था कोवलम से, या पहले आना चाहिए था, क्योंकि LP एंड एर्नाकुलम में एकदम स्ट्रेट हाईवे है तो उधर फास्ट पहुंच जाते हैं। एंड ये हमें ऐसे हिल एरिया से आना पड़ा इधर। एंड इधर रोड्स भी बन रहे हैं क्योंकि इधर क्या फ्लड्स आते रहते हैं बार बार, तो नया हाईवे भी बन रहा है ऊपर हाइट पे ताकि कि फ्लड्स आए ना इधर। शायद हम इधर पार्क करेंगे लोग, आवाज़ आ रही होगी शायद आपको। पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा नहीं है तो हमने ट्रेडिशनल वो देखा था, क्या बोलते हैं उसे, कर्थनाटन ऐसा करके कुछ नाम था, मार्शल आर्ट से एकदम 3000 ईयर्स ओल्ड है बोलते हैं उसे। एंड अभी देखते हैं कितना टाइम लैप्स भी एकदम फाड़ो निकलेगा, मैं इधर लगा दूंगा टाइम लैप्स। Bye.
इधर बोट टो कर दी हमने एंड इधर मस्त गोल्डन आवर चल रहा है। मैंने इधर भी कैमरा सेटअप कर दिया है टाइम लैप्स निकालने के लिए एंड काफ़ी सुंदर है पूरे बादल ऊपर। शायद मेरा चेहरा दिख नहीं रहा है बट जितना भी है उतना पूरा अंधेरा हो गया एंड वाटर में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है माय गॉड एकदम मस्त। एंड इधर अभी भैया हमारे डिनर बना रहे हैं एंड अंदर पापा मम्मी गाने चला रहे इसलिए मैं अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रहा, नो कॉपीराइट इश्यूज। वैसे तो अभी तक फ़िलहाल मस्त है, वर्थ है इधर आना। सीज़न पीक सीज़न था इसलिए थोड़ा महंगा पड़ा बोट बट अच्छा है देखने के लिए। क्या ये आवाज़ आ रही है पानी में से? हाँ फिलहाल अभी कैमरा लगा है उधर एंड मिलते हैं डिनर करते वक्त। तो अभी भैया ने हमारे लिए डिनर रेडी कर दिया है, रखा है ये है भिंडी की सब्जी, क्या है कुछ करी लग रहा है एंड ये चिकन ये लोग खाएंगे, मैं भिंडी की सब्जी खाऊंगा। देखते हैं खाना कैसा है, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है एंड फिर हमने स्प्राइट भी लिया, आइसक्रीम भी है रात को। तो तब तक डिनर करते हैं हम लोग, थोड़ा कम ही अभी बोला है बनाने के लिए क्योंकि दोपहर में इतना खाना बना दिया था कि क्या बताऊँ। तो हम लोग खाना एंजॉय करते हैं फिर आइसक्रीम खाते हैं, तब तक के लिए बाय। तो अभी हमारा डिनर हो गया इधर, थोड़ा थोड़ा बनाने बोला था बट थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी देखते हैं, ऊपर का पूरा कवर कर दिया अभी तो क्योंकि रात को बहुत बारिश आने वाली है ऐसा प्रेडिक्ट किया है। दिख रहा तो नहीं कुछ, माइंड नीचे जाते हैं। अभी इधर ही थोड़ा चिल करते हैं, गाने वाने सुनते हैं एंड फिर सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठेंगे क्योंकि ये तरफ से सनराइज दिखेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए बाय। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हो गई इधर कुछ 6:37 हो रहे हैं एंड इधर मैं टाइम लैप्स निकाल रहा हूँ सनराइज़ कहाँ से होगा, शायद इधर से होगा सनराइज़। इधर थोड़ा चौक रहा है एंड मैं तब तक वाटर एंड थोड़े दो तीन नाव जा रहे थे उनका टाइम लैप्स ले रहा था। एकदम मस्त नींद आई गाइस, क्या बताऊँ। इधर एसी भी था रूम में बट ऐसे खास ज़रूरत नहीं पड़ी एसी की, ठंडा ही था एंड रात को इधर बारिश गिरी, थोड़ी गिरी आई गेस बट इतना कुछ गिरा नहीं बारिश। बट इधर आवाज़ शायद आ रही है नहीं आ रही है, बर्ड्स की चिरपिंग की इंसेक्ट्स की आ रही है आवाज़ एंड ये पानी इतना स्मूथली ऐसा फ्लो रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। एंड अभी भैया हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में। तो इधर कुछ ऐसा खास टाइम लैप्स आ नहीं रहा है, थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं कैसा है। एंड ये दूसरी बोट, अरे अंदर कुछ ऐसा कुछ खास टाइम लैप्स मतलब सीन ऐसा कुछ था नहीं। तो अभी देखते हैं बाहर कहीं सनराइज दिख जाए हमें अच्छा सा सा, तो उधर सेटअप करके लगाता हूँ मैं। वैसे एकदम सुकून है इधर, वर्थ है, अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो इधर एक बार ट्राई करने के लिए। शायद मैं पहले भी बोल दिया सीज़न था इसलिए मैं थोड़ा महंगा पड़ा बट नेवर माइंड। या इधर लगाते हैं ट्राइपॉड। क्विक लुक दे देता हूँ मैं आपको, ये ऊपर का है ये टेरेस जैसा एंड इधर सिटिंग अरेंजमेंट है एंड इधर से व्यू आप देख सकते हो। तो गाइस बोट रोक दी है इनने अभी एंड इधर से हम जाएंगे, इधर हमें जाना, इधर हमारी कार है
एंड इधर सब बोट्स पार्क है, ये थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट है इधर, एंड नीचे जाएंगे हम, ये स्टेयर्स है, लिविंग एरिया है, सोफा, यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, एंड ये हमारा बेडरूम, थोड़ा मैसी है बट इट्स ओके, एंड ये इनका इधर किचन है, भैया ने ब्रेकफास्ट लगा दिया हमारे लिए, अभी देखते क्या क्या है, एज एक्सपेक्टेड इडली सांभर, ये उत्तपम, कोकोनट चटनी, सांभर, इडली, पापा इधर। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, एकदम टेस्टी सांभर, ग्रीन चटनी आई है, कोकोनट चटनी, अभी लोग इधर कयाकिंग कर रहे हैं एंड हम फिलहाल जा रहे हैं क्योंकि चेकआउट है हमारा अभी, एंड देखते हैं कब तक पहुंचता, अभी फ़िलहाल मैं कुछ वीडियो निकालूंगा नहीं, थोड़ा सीन एंजॉय करूंगा मैं, इधर का व्यू आपको सीधा बोट से निकलते ही मिलते हैं, जा रहे कोलम बीच, या तो फिलहाल हाउस बोट से हम निकल गए एंड हम जा रहे बाहर की ओर जहाँ पे ड्राइवर भैया है हमारे, फिलहाल ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं एंड आगे की जर्नी दूसरी ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल नहीं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना, तब तक के लिए बाय।